तो यार फ्रेंड कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूं व्हाट्सएप के एक नए अपडेट के बारे में और एक कमाल के नए फीचर के बारे में जो कि अभी रिसेंटली रोल आउट किया गया है। ये फिलहाल बीटा टेस्टर के लिए लॉन्च किया गया है दोस्तों। ये नया फीचर किससे रिलेटेड है मैं आपको पहले बता दूं। अगर आपने कभी किसी को कोई मैसेज भेजा हो और आपने उसको डिलीट फॉर एवरीवन वाला फीचर तो आपने डेफिनेटली यूज करा ही होगा। पहले क्या होता था, अगर आपने किसी को कोई मैसेज भेजा है आप एक घंटे को 16 सेकंड का कुछ टाइम रहता था, उसके बाद वो ऑटोमेटिक आप उसको डिलीट नहीं कर सकते। मतलब कि एक घंटे से पहले आपको उसको डिलीट फॉर एवरीवन का करेंगे तो ही वो डिलीट हो पाएगा। अगर उसके बाद आप करते थे तो वो डिलीट फॉर एवरीवन फीचर नहीं आता था। तो दोस्तों यही लेटेस्ट अपडेट आया है। अब इसकी लिमिट इंक्रीज कर दी गई। कितनी लिमिट इंक्रीज हुई है आगे आपको वीडियो बताने वाला हूं। तो वीडियो उसकी मत करिएगा दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा तो ही आप समझ पाएंगे। तो चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको व्हाट्सएप के नए अपडेट के बारे में बताने वाला हूं। तो उसके लिए मैं आपको ले जाता हूं यहां पर। पहले तो आपको अपने व्हाट्सएप को पहले तो अपडेट कर लेना है। ये फिलहाल बीटा टेस्टर के लिए आया है। अगर आप बीटा टेस्टर नहीं है तो ये आपको नहीं मिलेगा। तो पहले तो आपको बीटा टेस्टर आना होगा, और बीटा टेस्टर हैं तो हो सकता है तब भी आपको ना मिले, क्योंकि ये कुछ स्पेसिफाई बीटा यूजर को, या भी बोल सकते हैं कुछ बीटा यूजर को इसको रोल आउट किया गया है। तो इसको अपडेट करने के बाद आपको इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों यहां पर मैं ऐसे ही एक चैट पे चला गया हूं। आप देखेंगे दोस्तों यहां पर मैंने ये जो मैसेज है कब भेजा है, 3:33 पे आपको दिख रहा होगा यह मैसेज भेजा है। अगर आप ये नॉर्मल यूजर होंगे तो आप इसको डिलीट फॉर एवरीवन नहीं कर पाएंगे। आप देखेंगे अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा, अब मेरे को यहां पर डिलीट फॉर एवरीवन वाला फीचर भी मिल रहा है। आप देख रहे हैं मैं इसको डिलीट फॉर एवरीवन भी कर सकता हूं। तो आप देख रहे हैं मेरे यहां पर मैसेज को भेजे हुए कितने घंटे हो चुके हैं, लगभग 4-5 घंटे हो चुके हैं। 5 घंटे हो चुके हैं और तब भी मेरे को डिलीट फॉर एवरीवन का फीचर यहां पर मिल रहा है। और अगर मैं अभी ये करूंगा तो ये डिलीट फॉर एवरीवन हो जाएगा। आप देख सकते हैं और लिखा भी आ गया, दिस मैसेज वाज डिलीटेड फॉर एवरीवन इन दिस चैट ऑन द लेटेस्ट वर्जन ऑफ व्हाट्सएप। मतलब कि अगर उसके बाद लेटेस्ट वर्जन व्हाट्सएप का होगा तो उसके बाद भी वहां पर डिलीट पे दिख जाएगा। तो सबसे पहले तो ये बता दूं, ये नॉर्मल सा अपडेट था कि टाइम के हिसाब से आप इसको डिलीट कर सकते हैं। अब इसकी टाइम लिमिट कितनी बच गई है वो भी मैं आपको डायरेक्ट ही उस पर ले आके पढ़ा के बताऊंगा। तो ये व्हाट्सएप की खुद की बीटा वर्जन की एक साइड है और वहां पर मैं लेके आया हूं। यहां पर आप देखेंगे क्या लिखा है। अब इसकी डिलीट फॉर एवरीवन के ऑप्शन की 2 days 12 hours कर दी गई, और पहले कितनी थी, पहले थी 1 hour 8 minutes and 16 seconds की थी, अब उसको बढ़ा के 2 days and 12 hours कर दी गई है। मतलब कि 2.5 दिन की लिमिट कर दी गई है। अब 2.5 दिन तक आप अपने मैसेज को डिलीट फॉर एवरीवन कर सकते हैं। एक और मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। अब मैं बैक आ गया हूं। बैक आने के बाद ये देखेंगे मैंने ये मैसेज भेजा है 12:25 पे, आपको दिख रहा होगा ये मैंने मैसेज, तो ये वाला मैसेज मैंने 12:25 पे बैठा हुआ है भेजा हुआ है। अगर अब मैं नहीं चाहता कि यार भाई ये फोटो डिलीट हो जाए या डिलीट फॉर एवरीवन हो जाए, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और यहां पर क्लिक करके डिलीट फॉर एवरीवन कर दूंगा तो ये डिलीट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये भी यहां पर काम कर गया। लगभग 8 घंटे बाद मैंने इसको डिलीट करा और डिलीट फॉर एवरीवन वाला फीचर यहां पर भी काम करा है। उसके बाद देखता हूं और कोई मैंने कोई पुराना मैसेज भेजा हो तो मैं वो भी आपको चेक करके बताता हूं। अब जैसे कि दोस्तों मैं एक मैसेज पे लेके आया हूँ जो कि आप देखेंगे मैंने इसको कब सेंड करा है। मैं आपको डिटेल दिखा देता हूँ। इन्फो में जाके ये मैंने सेंड करा था, डिलीवर्ड हुआ था 1:25, मतलब कल की डेट में मैंने इसको सेंड करा हुआ है। 24 घंटे से इसको ऊपर हो चुके हैं और अब मैं इसको डिलीट फॉर एवरीवन कर सकता हूं। जैसे इस पर क्लिक करूंगा मुझे यहां पर डिलीट फॉर एवरीवन का फीचर आपको मिल रहा है। मतलब कि 1 दिन बाद भी मेरे को यहां पर मिल रहा है। हो सकता है ये 2 दिन बाद भी काम करे, और होगा क्यों नहीं, और होगा ही 100% ये 2 दिन बाद भी आप इसको डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ज्यादा कन्वर्सेशन करता नहीं हूं व्हाट्सएप की। नहीं तो आपको 2 दिन बाद वाला भी दिखाता, 1 दिन वाला मेरा मिला, मैंने आपको बता दिया। अब मैं इसको यहां से डिलीट करूंगा तो आप देखेंगे डिलीट फॉर एवरीवन फीचर यही नया अपडेट था, और यही नया फीचर यहां पर व्हाट्सएप में ऐड ऑन किया गया था जो कि मैंने आपको बताया। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें। अगर आपको लगता है उसमें मेरी कुछ कमी तो मुझे डिसलाइक कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे DM करके पूछ सकते हो। सबसे जरूरी चीज दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबाना भूलें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। तो थैंक यू।